भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के बाद से ही राम भक्तों का सैलाब अयोध्या की तरफ बढ़ चुका है। देश और दुनिया के राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। राममय वातावरण है। यहां पहुंचने वाले राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी जता रहे हैं। राम भक्तों का कहना है कि अगर ये दो शख्स नहीं होते तो अयोध्या में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दिव्य, जिन्होंने कहा कि भगवान श्री राम लला के दिव्य और भव्य दर्शन के लिए इन दोनों ने बड़ी भूमिका निभाई है। आज लाखों लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर सब खुश हैं। मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम नाम के जप लोग लगा रहे थे। वहीं अगर हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो जब से मंदिर का द्वार आमजनों आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है तब से अब तक श्रद्धालुओं का रैला लगा हुआ है। सभी अपने प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धालु में इतनी उत्साह है, इतना जोश है कि वो अपने प्रभु के दर्शन के लिए सुबह से ही लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। द्वार खुलने का समय 7 बजे है लेकिन लाइन लोगों की कतार सुबह 4 बजे से ही दिखाई देने लगती है और अभी तक ये उत्साह ये जोश कम नहीं हुआ है। अभी भी श्रद्धालुओं की संख्या उसी तरह बनी हुई है। हाँ, पहले दिन के भांति कम है लेकिन अभी भी श्रद्धालुओं की संख्या की अगर हम बात करें तो ये श्रद्धालुओं की संख्या दर्शाता है कि श्रद्धालु कितने उत्साह हैं, क्योंकि दर्शन के लिए श्रद्धालु लाइन में खड़े नजर आते हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जब शुरुआती दिनों में श्रद्धालुओं की पहुंचने की शुरुआत हुई थी तो सुरक्षा बलों को इन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। उसके बाद नियमें बनाई गई, उसके बाद दर्शन के लिए कई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए और अब तक वो सिलसिला जारी है। अब तक श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच रहे हैं और आज भी यही खबर है कि श्रद्धालुओं का रैला लगा हुआ है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं, राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। वहीं बता दें कि श्रद्धालु जब वहां पहुंच रहे हैं तो खुश तो नजर आ ही रहे हैं कि उन्होंने अपने प्रभु का दर्शन किया, साथ ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये दो शख्स नहीं होते तो राम मंदिर यहाँ पर ना बना होता। तो ये सब उन दोनों की ही कोशिशों का नतीजा है कि आज प्रभु श्री राम दोबारा अपने मंदिर में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु काफी खुश हैं।